समझदार जी ग्रंथाधिराज आचार्य कुंद भगवान हमें 186 गाथा का पाठ चल रहे संवरता शुद्धम तो शुद्धम समय दशा में निमित्त
कितना मंगल जैन धर्म मिला, हमारा कोई शत्रु नहीं। कभी अपने साधन में से कोई तनाव की छोटी मोटी बातें हो जाती, बहुत बड़ी बात नहीं मानना, ज़्यादा लंबा आना नहीं, अरे ये परिणाम आ गया कैंसिल करो, एकदम सर्वज्ञ देव को याद कर, मुनीश्वरों को याद कर, गाली सुन मन होती है कभी कभी, ये परिणाम जैसे होते हैं नहीं चाहते हुए हो जाते। कौन चाहता अपने घर का परिणाम, अपने मंदिर का पर परिणाम ऐसे हैं, उदय भी विचित्र है, भाव भी विचित्र है। अरे बड़े बड़े ज्ञानी मुनिराज के कुमार से शादी हुई मांगने में, कौन कल्पना करे, भावलिंगी मुनि भावलिंगी आर्य और दोनों गुफा में मिल गए और वो दोनों की शादी होना थी, दोनों ने कैंसिल कर दिया। दोनों को इतना बैराग बढ़ा, उनने दीक्षा ले ली, इनने भी दीक्षा ली, अब प्रकृति को मंजूर अभी नहीं। तो एक बार फिर वो गोपा में मिल गए और दोनों नग्न थे एकदम, प्रणाम ऐसे हुए, साथ में वो स्थान भर थी और वो दोनों की विषय सेवन हुआ और उसमें सब जानते क्या हुआ रुद्र की उत्तर क्या कि कौन कल्पना करे, इसलिए कोई विषय हो घबराहट नहीं होनी, बस उसे समाधान देना सीखना। सब जीव जितने जीव बैठे ना ये सब भावी सिद्ध हैं, ये भावी सिद्ध हैं। इन मंदिरों में समय सार के सामने शुद्ध ने की विषय की बात सुनकर जिसका चित्त प्रमोदित होता है उसे पद्म नंदी पंचविंशत का के रचयिता आचार्य वनवासी संत कहते हैं, ये भविष्य का सिद्ध तत्प्रति प्रीत चित्ते येन वार्ता भी श्रुता निश्चितम सा वेद भव्या भावी निर्माण। कितनी बड़ा आशीर्वाद, तो हमारा काय को कोई भाषा जैसे है परिणाम जैसे परिणाम, और ये भाषा का कोई ज़्यादा भरोसा नहीं कर, मार्ग बहुत गजब, गुरुदेव बहुत महान है, माता जी बहुत महान है, महावीर स्वामी का शासन बहुत अच्छा है, कुंद कुंद भगवान मिल गए पर अविनाशी कल्याण होना पसंद। हे जी तुझे जो दुख दिखाए तो तुझ पर भाषित होते हैं कि नहीं, तूने जो उपाय किए सब झूठे लगते हैं कि नहीं, और फिर हम जो उपाय सर्वज्ञ प्ररूप जिन मत के अनुसार जो उद्यम पूर्वक प्रसार से तत्व निर्णय करता है उसके जीवन में नियम से रत्नात्रय शुद्धोपयोग सम्यक दर्शन ज्ञान चार प्रकट हुए बिना। इसलिए कोई भी बात को कुछ लंबा न ऐसा क्यों कुछ हो जाती परिणति ऐसी विचित्र विचित्र, ज्ञानी जन के भी ऐसा होता है वो अधिक भाव नहीं मिलती, अब नहीं मिलती तो भी वो दोनों भगवान, तो ऐसा छोटा बहुत परिणाम आए ना, बहुत बड़ा भेद विज्ञान कला सिखा रहा है कि ये जीव जितने भी भगवान बने हैं भेद विज्ञान तो सिद्धा सिद्धा एक अस्थई भाव तो बद्धा बद्धा एक, जितने भी जीव भगवान बने हैं वे सब भेद विज्ञान से, और जितने जीव भटक रहे हैं वे सब भेद विज्ञान के अभाव। हम क्यों चूके से भेद पहले ही गाथा से भेद विज्ञान चालू कर द्रव कर नौकर भाव कर से है जो शुद्धात्मा है वो सिद्ध भगवान है। दूसरी गाथा में उद्गल कर्म के प्रदेश अलग है उसमें स्थित मन बना लेता है पर होता कहाँ स्थित, हर द्रव तो अपने स्वभाव में। और तीसरी गाथा में तो कहा बंद की कथा ही नहीं कर रहे, बंद है कहाँ, वाणी में होगा राग में होगा ज्ञानता में होगा, वस्तु में कहाँ बंद है, एक वस्तु दूसरी वस्तु से बन सकती है क्या, छू नहीं सकती, कहाँ अपना मकान कहाँ अपने पैसे कहाँ शरीर कहाँ वाणी, मेरी वाणी और देह अहंकार है मैं इनका संचालक, ये भारी विकार जड़ के कार सभी होते हैं अनुमान सब अपनी व्यवस्थित हो। ज्ञान बहुत बुरा पाव और बहुत जीत सकता है इसी पर, जिसे हम शराबी मानते हैं वो अगले भाव में भगवान बन सकते, कोई मान सकता था कि हिरण पकड़ने जा रहा और अभी समय दर्शन नहीं, ये जो हिरण पकड़ने से दौड़ रहा है ये पौन घंटे बाद स्वामी दर्शन ले लिया, अपन कहते विश्वास अपन तो बनी आदमी कहते पापी, जो वृक्ष हैं धीवर
मछली का जाल लेके महाराज जी के पास पहुँचे। वो कहते महाराज जी आप सबको प्रसाद दे रहे हमें भी तो दो। कि क्या करते हो? कि मछली मारते हो। नरक का नाम नहीं सुना था? कहाँ चले जाओ? तो क्या करें महाराज, इसके बिना तो धंधे ही नहीं हो। तो ऐसा कर ली, पहले ही मछली छोड़। कैसे अच्छे होते अपने भगवान मुनिराज, और इतने बड़े दुष्ट से ही बात कर सकते। अपन लोग तो सब सज्जन, सब एक से विचारधारक, सब एक से गुरुदेव के शिष्य, सब महावीर के शासन में चले। अपन सबको तो जनवाणी अच्छी लगे। वो तो मृक्षेन व्यक्ति क्या जाने, क्षेत्रक क्या होते, शुद्ध क्या होता, शब्द क्या होता, नए क्या होते, मुख्य गुण क्या होता, वो कुछ नहीं जानता। वो इतना जानता था कि महाराज जी कितने अच्छे लगते। हाँ, इतना पढ़ना आता जिस व्यक्ति की आँख में एक मुनि बाहुबली भगवान है ना, ऐसे आनंद भोगते दिखे, समझ जाना इसका साथ सारा संसार ज्यादा है। क्योंकि ये भीतर देखने लगा तो आत्मा आनंद भोग रही है, तब ये सालों का ध्यान नहीं गया कि सांप चढ़ रहे हैं, कि बेल चढ़ रहे हैं, कि मेला हो रहा है, कि पानी गिर रहा है, कि गर्मी गिर रही है। वो अपना काम करेगी इस पचड़ी में। मृगसेन धीवर दूसरे भाव में भगवान बन गया बाबू जी, दूसरे भाव। पांच बार मछली बचाई थी उसने, बिल्कुल वैसी हो गया है। एक दिगंबर वृद्धिधारी मुनिराज अवधि यानी मुनिराज एक श्रावक के घर में आहार लेने आए और आहार लिया, और उन्हीं के साथ जो शिष्य थे उनसे बताने लगे कि जो ये महिला बैठी ना प्रेग्नेंट, इसके जो बालक होगा इसी भाव में भगवान। जो हार दे रहे थे उनको कुछ नहीं था, और जो बैठी थी, और वो कौन थी मान, कि एक कन्या जैन घर की, उसे राजा ने अपने लिए माना, और राजा जैन सेठ ने कहा कि सब घर जाते विचार कर, और राजा का अपोज कर नहीं सकते, विरोध कर नहीं सकते। तो उन्होंने लड़की से प्रश्न पूछे, बेटी तुम्हारा राजा चाह रहा तुम्हें रानी बनाना, आर यू रेडी? कि पापा जन्म होते ही क्यों नहीं मार रहा? ज्ञान चेटो भी दरिद्रो भी जल धर्मानुभाष, हम उस दुनिया में सबसे गरीबी मंजूर है, बदनामी मंजूर है, भूखा रहना मंजूर है, जैन धर्म का छोड़ करके कहीं विचार करना, भाई ऐसा कैसे पूछ ले? बेटी तुम पास हो, यही चाह। फिर पत्नी से कहा कि राजा बहुत प्रसन्न है अपनी बेटी माँ, कि तुम मदरा पी के आए और कल काम नहीं करते? क्या 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 कह रहे? अनंत भाव में भेजना क्या पटा, अनंत भाव बड़े हो जाएंगे यदि जैन शासन छोड़ रहे। अरे तू ही बहुत पढ़, अब अपन को करोड़ों करोड़ों का वैभव छोड़ के आज शहर छोड़, परंतु तू नहीं जा सकती, तू इस समय गर्भवती है, मैं बेटी को लेके भाग। तू राजा से कहा कि मैं 7 दिन बाद आपकी बच्ची का हमारी बच्ची से शादी करूँ, और वहाँ पर व्यवस्था करके एक कुतिया के यहाँ गले में चिट्ठी बांध के चला गया, तुम इसके लायक। बारात लगी वहाँ, लड़की भी नहीं मिली, कोई अटेंड करने वाला नहीं, ये और मिला, बहुत दुखी। और उसने बहुत बंदर लेने की सोच, बहुत सोची। चलो वो घटना घट गई। अब वो जो पत्नी थी और जिसके घर में मित्र के यहाँ छोड़ के गया था साधर्मी, अच्छा वो साधर्मी आहार दे रहा था मुनिराज की, और मुनिराज उससे कह रही थी जो अपने शिष्य हैं कि ये जो बैठी है ना महिला, इसके जो बच्चा होगा ये इसी भाव में होगा। और उसे इतना कष्ट हुआ उस सेठ को, देखो आहार देने के बाद विशुद्धि गाय कि परिणाम विचित्र, मंदिर में परिणाम बिगड़ सकते, तो आहार दिया और विशुद्धि गायब हो गई। और एकदम से मानो उसने क्या संकल्प किया, इसका बच्चा हुआ और हमने बदला, आज मेरी बहुत बेइज्जती कर, बहुत बेइज्जती की इस महिला ने, हम आहार दे रहे और हमारे लिए धन्यवाद नहीं दे रहे, कुछ नहीं बोल रहे। सब पागल है जी, ये सब यश प्रकृति के उदय, कोई अच्छा कह देता पुण्य नहीं कहता तो अपना नहीं हो, इसमें कौन सा बड़ा कष्ट हो। दुखी मन से उससे मैं कुछ नहीं बोला, जैसे ही वो बच्चा ने जन्म लिया उसने ले जाकर और वो कसाई के हाथ में दिया,
कैसे बाहर ले जाते मार, इतनी कसा है वो हार देने वाला, ले गया पैसा भी ले लिए थे। कितना भोला सा बच्चा है, कितना सुंदर सा लगता है, इसने मेरा क्या बिगाड़ा, तुम्हें क्यों मारूं। तो उसने एक खेत में वृक्ष के नीचे एक प्यार में रख के और चल, अब उसे ग्वाले को दिखा, गाय इसके ऊपर दूध गिरा रही थी, इसके मुंह में जा रहा कि कैसा भाग्यशाली है, इसे कोई दे नहीं जा दूध, कोई देख नहीं जा, और पड़ा तो ले गया ग्वाला, तो गजब का अच्छा है पालें। अब उसका जब 8-10 साल 12 साल 15 साल का हो गया, तो सेठ उसी ग्वाले के यहाँ घी लेने गया, वही सेठ, और उसने कहा कि भैया मैं घी चाहिए, ये कौन, ये कितना गोरा सुंदर लग रहा है, कौन है बाबूजी, किसी ने इस बच्चे को इतने साल पहले खेत में डाल दिया और ऐसा अतिशय हुआ था, मैं तो इसे उठाया, नहीं तो मेरा बच्चा जैसा। अब उसे सब ख्याल आ गया कि कसाई ने छोड़ दिया, जैसे चेहरा था और ये मेरे हाथ से नहीं मर पाया, उसने अब दूसरा उपाय किया कि एक काम करो कि इसके हाथ से घी हमारे घर भेज दो, और पैसा वो घर से ले आया, तो उसमें लिख दिया कि इसको जाते ही विष दे देना, मेरा इंतजार नहीं करो। पत्नी इसके लिए चिट्ठी, और वो बच्चा जा रहा था, पढ़ा लिखा नहीं था, ग्वाला के यहाँ पे गले में उसकी चिट्ठी फंसी, तो उसे वहीं से एक वेश्या ने, और वेश्या ने देखा कि कितना सा भोला सा जीव है, इसकी इसकी क्या लिखा, उसने लिखा इसे जाते ही विष दे देना। तो उसने कहा बताओ, ये इतना सीधा साधा आदमी किसी के यहाँ घर ले घी लेके जा रहा है, अभी इसके प्राण चले जाए, तो उसी दया आ गई और उसने उसमें लिख दिया विषया दे देना, या बढ़ा दिया काजल से अक्षर बना दे, कौन है गुमान वो विषया, वो मछली कैसी, ऐसे ऐसे चलते संबंध। यदि तुम वेशभूषण कुलभूषण मुनिराज थे तो उनको सरदार डाकू के सरदार ने उनके अटेंडेंस ने पकड़ लिया छोटी छोटी और ले गए, साहब ये दो आदमी मिले यहाँ से जा रहे हैं, ये अपना पता बता दें, अरे रे नग्न दिगंबर सन, ये तो मास समता के धारी वितरागी होते, इनको क्यों पकड़ रहा है पागल। तो उसमें लिखा कि इनको क्यों छोड़ दिया, वो तो बहुत क्रूर होते, कि इनने किसी के जाल में फंसे दो पक्षियों को जैसे वो शिकारी को पानी यानी पीने गए इनमें से निकाल दिए, तो जैसे इनने निकाले थे वैसे ही पूर्ण बांधा आज इन्हें निकाल दिए, ऐसे निमित्त निमित्त घने संबंध बनते, आपके परिणामों के फल आते, किसी को दोष दोष देना बिल्कुल हमारा जैन शासन नहीं, महापवित्र शासन मिला है, ऐसा उंगली उठाने की जरूरत, हो सकता है कोई गड़बड़ी हो जाए, अपना भी उदय और उसके बंधुओं, तो ऐसा बहुत ज्ञान समाधान कारक तत्व है, इसलिए अपन को बहुत संभल के रहना, कोई भी परिणाम बिगड़ने का मंदिर में एक भी कारण है, धर्म ही धर्म, वितरागता, साधर्मी, भावी भगवान, भावी सिद्ध, ऐसा देखने से सब टोला है, सब भगवान बनेंगे, आगे पीछे बने। अधिकतर तो स्वामी जी कहते थे इस काल का धर्मी चार भाव से ज़्यादा नहीं लेता सकते, इतना पुण्य है, जबरदस्त पुण्य लेके आता है जब ये देशना सुनने मिलती है, और जिसे भागे उसके ज़्यादा भाव ही नहीं होते। आप ऐसा अस्थि पक्ष लेकर के बैठा करो मंदिर कि मैं कोई महाभाग्यशाली हूँ जो जनवाणी सुनने जा, मेरी अच्छी होना, मेरे कुछ अच्छे दिन करने वाले सुनाएंगे, समय सार का भजन अच्छे दिन आने वाले, ये जिनके पास सिर्फ भगवान उसके दिन खराब है, उनको तर गया समझ में, अरे जिसे देश ना मिल गई वो पार हो गया, मैं आत्मा हूँ लग गया शुद्ध आत्मा हूँ, ये तो बहुत बड़ा प्रसाद है, जिसने भगवान को छू लिया वो अम्बानी से बहुत बड़ा आदमी है, क्योंकि ये बहुत बड़े सेठों को करोड़पति अरबपतियों को भगवान नहीं मिलते जो अपन को अपने बच्चों को। तो उसने घी वाले प्रसंग से उसे मारना चाह तो फिर बच गया, और क्या होगा विषया दे देना, और लड़की का नाम था विषया, उसकी खुद की लड़की का नाम था विषया, तो उसने जल्दी से कहा मेरा इंतजार नहीं करना, तुम्हें कुछ काम से जा रहा हूँ, तुम विषया दे दे, और उसने अपनी लड़की ब्याह दी, उसकी अब दमान बन के बैठ,
कहाँ मारने की तैयारी, कहाँ लड़की। अब तीसरी बार उसने कहा, ये तो गजब हो गया, तुम्हें तो इसको मारे बिना मुझे चैन ही नहीं पड़ रही, करो। तो उसने कहा कि तुम ज़्यादा हैरान ना हो, मैं इसे मारूँ। तो अपनी लड़की से कहा, ये लड्डू है ना, ये जिसमें घी चूरा, ये तुम अपने पति को दे, और ये जो रूखा सा है ये तुम अपने पापा को। तो उसने कहा, ऐसा कहीं होता है? और उसमें जहर मिला दिया सास ने, समझ में, जैनी सास। और उसने कहा कि पापा को, पिताजी को ऐसा रूखा सूखा दीजिए, तो पति ये तो अपने घर के इनको दे भी रूखा। तो उसने रूखा सूखा ड्राई फ्रूट्स का क्रिसमस बना के बना कर वो खा लिया, और ये अच्छा चमकता घी सर इसने खाया। तो अब क्या करें, अब सास पीछे पड़े कि हम इसे मारना, पति की आज्ञा आखिरी जमान नरक जाने वालों। इस तरह से 5 बार प्रसन्न था। जब ये घटना राजा को पता चली, कितना भाग्यशाली, इसे 5 बार मारने की कोशिश की, वो 2 ही मर गए, सास ससुर भी मर गए, और ये इतने प्रसन्न बने, इसको कोई नहीं मार सकता। अरे कोई महाजी, उसने अपनी लड़की भी आ जाए आधा राज दे, समझ में आया? पहले एक सा एक वह पहले क्या था, वो भीमर मृग से, और उसने राज किया, और बाद में कहा का दम है, और जिलेश्वरी दीक्षा धारण की, और उसी भव है भगवान। समझ में आता कितना ऊंचा था। ऐसे धर्म के धारी थे अपने गुरुदेव, कोई कितना गाली दे दे, बेइज्जती कर दे, क्या कहते थे, भोला भगवान। यदि इसे पता होता तो काय को बंद पा, इतना सरल धर्म है, बिल्कुल सीधे साधे हो जाओ। जब रावण को संबोधन सीता जा सकती है, तीसरे नरक जिसने इसे सताया था, 11 दिन बाद तो मुंह में पानी दिया था, 11 महीने बाद तो उसके पति रामचंद्र के बीच में संवाद हुए थे, लड़ाई लड़ाई हुई थी, और ऐसी सीता इतने कष्ट पाकर अग्नि परीक्षा में देना पड़ा, और कृष्ण पति ऐसा डांटता था, समाज ऐसे, इतने होने के बाद भी सीता के मुंह से एक बार भी दोष नहीं लगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम खराब हो सकता है। अरे मेरे ही कोई खराब होता है, मैंने कभी निगत निकाचित कर्म बांधे होंगे, मुनि अर्चिकाओं को दोष लगाया होगा, जैन शासन की उपेक्षा की होगी, इसका फल मुझे मिल रहा है, मेरा कोई विश्व शत्रु देव गाली हमें दोष लगाओ। हमारे भगवान ने हमें फिल्टर दे दिया, भेद दिया, गाली सुन मन गुण, कोई भी दुखी नहीं होना मंदिर में, अपने भगवान मिल गए ना, गुरुदेव मिल गए, अपन सब भगवान बने। कोई भी व्यक्ति संसार में रहने वाला नहीं, मानो किसी आदिनाथ के कुटुंब में जितने भी व्यक्ति, 101 बच्चे थे, 2 पत्नी 2 बेटियां थी, जितने भी व्यक्ति थे, पर भरत चक्रवर्ती के कितने, 96,000 बेटियां, 60,000 से ज़्यादा पुत्र, एक भी व्यक्ति वर्ण में नहीं है सब सिद्धार्थ मानो। एक बार तुमने सत्य का आदर किया, फिर संसार में तुम रह ही सकते, आज तक अपन ने सत्य का आदर नहीं। भगवान तुम्हारी वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया। गलती क्या हो गई, उस पर तो श्रद्धा ला न सका, परिवर्तन का अभिमान किया, परे का करता अब तक सत्काना प्रभु सम्मान। यही गलती हो जाए, ऐसा तो है नहीं कि सत्य नहीं था, अनादि से भगवान के मार्ग था, मुनिराज के ज्ञानी जनते, अपन को तो गुरुदेव की पिताजी मिली अनंत भाव, सीमंदर भगवान, युगमंदर भगवान, विष्णु भगवान मिले अनंत भाव, महावीर स्वामी जैसी 24 अपन ने अनंत बार मिली, पर अपन इतने कड़े हृदय रहे कि बात मानने थे, अब हमें वो गड़बड़ी नहीं कर, हमें जिससे बुराई हो, जिससे लड़ाई हो, जिससे कुछ हो गया हो, सबसे पहले उससे जे भाई साहब हमारी भूल, हमें तुम्हारी भूल नहीं देखना है, हमें अपनी देखना, क्योंकि हमें हल्के हो,
हमारे भगवान ने भिड़ना लड़ना नहीं सिखाया, दोष देखना नहीं सिखाया, दोष दूर करना सिखाया। बहुत ही ऊंचा धर्म मिल गया। कभी गुरुदेव का एक सत्य बता दूं, जगह काली पत्थर पत्थर पाक पट के जूते बताए, झंडे बताए, अरे कितना दुख भोग ये इनको कोई समझाए कम समझाए, अपनी योग्यता प्रमाण समझ में आता, काल आएगा जब समझ। इतना अच्छा धर्म विश्व में कोई धर्म नहीं जैसा, जब कोई शत्रु नहीं। हम कभी जाते थे नाम लेना अच्छा नहीं, पर ये हम रजनी भाई और अभय इन तीन व्यक्तियों से एक सोनगढ़ का व्यक्ति नारा है, क्योंकि ये तीन व्यक्ति बड़े पंडित जी के पास में जाए। तो रजनी भाई तो बहुत खुले हृदय के, संध्या जी पसंद करते तो जाते सीखना है तो जाते थे। तो एक व्यक्ति पंपलेट छपाता और हम यदि सोनगढ़ गए तो फिर वो उस सभा में सबके हाथ में बांट, रजनी भाई गई तो उनकी बात विरोध में बांट, अभय जी गई तो उनके विरोध में बांट, ऐसा। तो एक दिन हम जब गए तो हमारे सामने कोई एक आदमी हमारे विरोध की पत्र छाप, तो एक ने हमें दे दी, तो हमें बहुत खुशी। तो हम उसी व्यक्ति के पास गए, हमने कह रहा आप कितने अच्छे, मैं उसी के कमरे में गए, उसने कहा भाई साहब आप बहुत अच्छे। तो हमने कही आप हमारा दोष निकालने के लिए सोचते, ऐसा कौन है जो गलती निकाल के दूर करे, आप तो उपकारी। तो एकदम से इतना गले लगा लिया उसने, कहा फिर निमंत्रण किया, फिर बोले कि सचमुच में तुम सज्जन हो, ये मार्ग ही गुरुदेव का ऐसा है कि हमें किसी से भिड़ने नहीं, हमारी गलती हो बहुत अच्छा है आप निकाल रहे हो तैयार। हमारे सुपत प्रकाश जी कहते हैं कि तुम हमें दोष बताओ, हम तो और तैयार करें लिखे बैठे, हम वे भी निकालेंगे तुम भी बताते जाओ, हमें तो हल्के होके जाने, हमें कर्म नहीं मांग, हमें तो शांति से रहना है। हमारे गुरुदेव हमारे भगवान जैसे मिल गए इस काल में, जो काम तीर्थंकर के काल में अपन नहीं कर पाए वो काम इस काल में गुरुदेव से हो गया, बहुत गजब का। यदि एक द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर का एक बोल रखो, हम तो यहाँ से फ्री होते ना तो उसी को पकड़, एक एक बोल में करंट आ जाए, भूल जा पुरानी बात है, एक तत्काल ताजा हो जा, क्योंकि पर्याय एक समय से बासी होते ही, एक समय के बाद रहते नहीं, तुम लंबाते क्यों, सांप निकल गया और लकीर पीट, जो हो गया सो होने योग्य होता, वो परिणति ऐसी होना तो चलो निकल गया। जीव बराबर भगवान है, जीव में कोई गड़बड़ी, जीव के स्वभाव में गड़बड़ी नहीं, उदय प्रमाण नाटक बनते हैं उसे हमें लंबा, ऐसा मंगल शासन है। अपन को थोड़ा सा समय है, कितना 10 मिनट, छठवीं गाथा का भावार्थ, थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है मन को, बड़े विज्ञानी जनों के आधार से रवि हो दिया पमत्तो न पमत्तो जाने को दुजो भावो कि मैं शरीर नहीं हूँ, कर्म का उदय कर्म में आता है, राग एक समय की पर्याय में होता है, शिव संज्ञान मेरी यथार्थ उपलब्धि नहीं है, इसके अलावा मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूँ, चैतन्य हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी भगवान।
अभी देखो भावार्थ में पढ़ लो, अशुद्धता को हम ये नहीं कहते कि नहीं आती, आती आती कहाँ, चैतन्य सदन की आमन में कितनी कितनी सुख सुख वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन योगी है। किस कारण से आती चिराग भाई? अज्ञान विधाता, एक बात न समझ नहीं, मम्मी जी क्या मर जाए, मम्मी कभी दुखी नहीं करना चाहती, मर जा कह दी, पर डांटना हो समझाना हो कुछ अच्छे से हित चाहता हो, जैसे कि पैर टूट दूँ और बिल्कुल नहीं टूटती, खरोंच में नहीं देखती, वो तो भाषा ऐसे निकल, इसलिए भाषा सा में ज़्यादा नहीं आने पुद्गल की खेल। तो परिणति में मलिनता आई, वो बाहर से आई कि भीतर से आई? चलो अपन ने पहली लाइन पढ़ी थी, वो मलिनता बाहर से आई कि भीतर से आई? तो तीन अनियोग में लिखा मिलेगा तेरी गंदगी भरी किसे निकल, और इसमें ये निकल मिलेगा तेरी गंदगी नहीं, तेरे अंदर में कितना आनंद भरा है, ज्ञान भरा है, उसमें से ज्ञान ही निकलता है, गंदगी तो उसे नहीं जानने से निकलता। कुछ अंतर समझ आए इस अनियोग में और अन्य में? चरणानियोग कहता है कि यदि तुम अपनी गलती नहीं मानोगे कभी नहीं सुनोगे, भूल मानना, और ये कहता है समय साथ कि तुम अपना निरपराधी आनंदमयी पवित्र स्वभाव नहीं समझेगा तो कभी कर ले। कुछ समय शैली अंतर में समझ आ, ये कह रहा है कि तू शुद्ध नहीं देखता है अशुद्धि, और वहाँ क्या कहता है कि तू अपनी गलती नहीं मानता ये अशुद्धि, अपराधी नहीं मानता तो उसे कैसे कहेंगे कल्याण, और जो अपराधी अपराध मानता रहता है। अब द्रव्यलिंगी बने शैली से, तो द्रव्यलिंगी सब गलती मानता, अरे हा हा मैं जोड़े अपराधी, तेरे जीवन दास बिराधी, थावर की जतन न की और मैं करुणा, सब गलती मानता, पृथ्वी बहु खोद कराई मेला दिख जाऊँगा चनाई, उन बिन गालियों जल ढूल पंखा ते पवन, सब गलती मानता द्रव्य, पर आत्मा नहीं मानता। तो अब गलती भी मान ली तो विशुद्धि तो आई, पर शुद्धि तो नहीं आई। हम बाबू जी से पूछते थे, युगल जी बाबू के पास जाते थे जयपुर से लौटते समय, जाते समय आते तो बाबू जी इतनी इतनी कसाय मंदिर, इतना अच्छा लगता है मंदिर में, सब अच्छी बातें लगती हैं, पर फिर असम्य दर्शन क्यों नहीं? तो बोले कि तुमने विशुद्धि तक पहुँचने का तो काम किया, पर विशुद्धि भी है, इसको भी लांग करके शुद्ध स्वभाव देख, शुद्ध जाने आत्म को तो शुद्धता। तो हमसे एक दिन बोले लास्ट लास्ट जब अंतिम जीवन के लास्ट फिर मानो उन्होंने कि हमने से इतना तक कहा था कि वेद विज्ञान प्राइमरी स्टेज में चलता है, वेद विज्ञान करते रहोगे तो भी आत्मा नहीं, बोलिए अभेद ज्ञान से आत्मा मिलती, ये बाबू जी की लास्ट टाइम की बात, अभेद ज्ञान से आत्मा मिलती है, वेद विज्ञान तो स्टार्टिंग कर, ये शरीर भिन्न है, कर्म भिन्न है, राग भिन्न है, ये तो पढ़ाई है विकल्प, ये यहाँ से प्रारंभ होती, पर मिलता कैसे? अरे मैं वह हूँ जो है भगवान, मैं तो ज्ञानानंद स्वभाव, अस्थि से आत्मा मिलती, विकल्प से नहीं। तो अभी क्या बताया उन्होंने कि अशुद्धता चली, संसार चला नहीं था, ये वो झूठा थोड़ी है, राग से जग में रुलू मिली सरागी देव गीत राग भेटू हवे, ये तो आज मिले अपन को भगवान, अरे आज मिली का तो मिलाओ तो मिले, नहीं तो अभी मिली, अभी तुम्हें लगे कि ये बीतरागी है सुखी है तब वो तुम्हें मिली, आत्मा मिलेगा उस दिन भगवान मिलेंगे कि आज हमें पता चला कि ये गजब का साथ, उस दिन तो कमर कस के तैयार हो जाएगा जी, अब मैं अरहत दशा पाऊँ करके प्रभु निजुण का कर्मचारी कभी सेठ से ऐसा नहीं कह सकता, सेठ मैं भी सेठ बनूंगा अब नौकरी छोड़ दूँ, ऐसा सेठ से बोलने की हिम्मत ना कर्मचारी के न सेठ की सुनने की तहसील, दो ही एक दूसरे को वो नौकर बनाए रखना चाहता है माँ। और जैन धर्म कहता है तव पादौ मम हृदये, मम हृदये तव पद्मलीनम तिष्ठत जिनेन्द्रियावत, ये भगवान तुम्हारे एक चरण कमल मेरे हृदय में, और तो मेरा माथा तुम्हारे चरणों में, कब तक? जब तक मैं ऐसे ही नहीं हो जाता, मैं अपने मतलब से आ रहा हूँ कि यदि आपके पास नहीं आता तो विशुद्धि नहीं आती,
अशुभ ही अशुभ चलते, उससे बचने के लिए आपके पास आता हूँ और यहाँ आते ही अंतर्मुख होते। ये साधना सच्ची साधना तो इसके आश्रय से पहली लाइन पढ़ी कि दूसरे को दोष नहीं लगाए, अपनी गलती मान पर के लक्ष्य से आती है, स्वभाव से भी नहीं आती और पर से भी नहीं आती। पर से नहीं आती यानी कर्मोदय से राग नहीं होता, घर गृहस्थी से बंधन नहीं होता, खान पान से भी बंधन नहीं होता, अज्ञान से बंधन, मैंने खाया पिया इस अशुद्धि से बंद होता है। खाना पीना तो जड़ की क्रिया, वो बंद का दूसरी लाइन तो गजब की, उसमें जो अशुद्धि भी आई पर के लक्ष्य क्या लिखा उसमें मूल द्रव्य तो क्या लिखा, कभी जीव अजीव होते ही राग होते ही, शरीर रूप कर्म रूप राग रूप पर्याय रूप होता ही नहीं। मात्र देखो भजन, ये तो बहुत भजनदार के सोना बिस्कुट है समझ लो 10 तोले की और कीचड़ में गिर गई, तो उसके कीचड़ में गिर जाने पर मैली दिखने पर भी कीचड़ उसके भीतर कितने परसेंट प्रवेश करेगा, 1%। मात्र पर द्रव्य के निमित्त से क्या क्या मैलन हो जाती है, अवस्था जैसे दूध और पानी मिला, तो दूध और पानी मिलता नहीं कभी, द्रव्य दृष्टि से दोनों अलग है परंतु मिलता क्या है, अब तुमने जो नल का पानी मिला दिया और व्रत चल रहे तो अपन वो दूध में पानी नहीं मिलने पर भी लेंगे नहीं, ये पर्यायगत अशुद्धता देखिए कि भाई तूने शुद्ध जल मिला अजैन है और तुझे अंजना मिला हम गर्म भी नहीं करते, क्या बदला रहा हूँ, मात्र पर्याय अशुद्ध। द्रव्य का क्या हुआ, द्रव्य का क्या हुआ, शुद्ध ही रहा, कितना बड़ा मैसेज है। जैसे अपन डॉक्टर के यहाँ जाते हैं ना तो ये टीवी हो गई, देखते हैं कि कितने परसेंट में ये 1 नंबर की 2 नंबर की थोड़ी बहुत है, जिन साहब डोंट वरी मैं हूँ ठीक हो जाए, बहुत कम अभी स्टार्ट 2 नंबर हो गए, ये थोड़ी मेहनत लगी और ज़्यादा ही बढ़ गई अभी यह मेरी बस। ऐसे ही जब अशुद्धता का अंश इतना बढ़ जाए कि उस सुनने ही समझने तैयार नहीं हो तो आचार्य कहते घूम, और जब इतना अंश है कि एक समय की पर्याय में आया और वो हाथ जोड़ रहा कि प्रभु हमें आत्म का कल्याण करें, अरे तेरा निकल जाए, फिर बहुत बड़ी बात नहीं है राग देश में, राग देश बड़े कष्ट नहीं है, अज्ञानता बहुत बड़ा पाप, राग देश तो सम्यक दृष्टि के भी होते इतने बुरे होते हैं कि चक्कर चला देता, 6-6 महीना रोता है और छाए समय मानेगा, जैन धर्म मानता है कि ये बहुत निर्दोष है राम, भले रोता दिखता है प्रसंग बस उदय अनुसार पुराना संस्कार, परंतु इसके चित्त में 1% भी सीता अपनी पत्नी नहीं लगता, विषयों में सुख नहीं दिखता, क्या करे उसकी आँख ऐसी तो। मूल द्रव्य तो यानी अपना जीव द्रव्य तो आत्मा तो शुद्ध आत्मा शुद्धि रही क्या, शुद्ध हो गई शुद्धि रही, तो अब शुद्ध है तो शुद्ध देख सकते कि नहीं देख सकते, क्यों यदि आत्मा अशुद्ध हो जाती तो नहीं देख सकते, मलिन हो जाती है निमित्त पर द्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती। अब फिर से द्रव्य दृष्टि से तो जो द्रव्य है वही, अगर देखना वो वस्तु तो ऐसी मिलेगी पानी खोलता दिखे, आदमी गुस्सा करता दिखे, अब तुम्हारी आँख में ताकत हो कि ये मम्मी बच्चे को क्यों डांट, ये स्कूल में सर इस लड़के को क्यों बेंच पर खड़ा कर रहा, पूरे पीरियड खड़े हो क्यों लिखते, कारण नहीं मान। इस विदेश की 2-3 प्रकरण याद हैं कि एक बच्चा कोरोना आदि में मम्मी चली पापा चला, 10 साल का 8 साल का उसे कहीं भी काम करने जाता तो काम नहीं दी, बच्चों को काम नहीं, अब वो भूखा मरेगा कि तो वो करे क्या, तो उसने देखा कि एक दुकान में चना और लड्डू बिक रहे, तो दोनों मुट्ठी से लड्डू और चना लेके भाग, चिल्लाए सेठ और पकड़ लिया थाने को दे दिया और थाने वाले ने जज के सामने, अब जज ने पूछा बेटा चोरी की कि जी की क्यों की, कि भूखा था तो खरीदा क्यों नहीं, कि पैसे नहीं,
पैसे क्यों नहीं मम्मी पापा से लाता ना, मम्मी भी कोरोना मर गई और पापा भी मर गए, तो काम करता ना कि काम भी कोई नहीं। अब सोचो जरा, उसकी चोरी है कि वो भूख करवा रहे, सोच रहे जरा, ये विदेश का उदाहरण है। तो वो जज ने सुना कि अरे इसके पास माँ भी नहीं, पापा भी नहीं, पैसा भी नहीं, इसे चोरी करना नहीं है, ये करना पड़ रहा है। सम्यक दृष्टि क्या, इसी इसी विषयों में मजा नहीं आता, ये पुरानी आदत छूट गई। तो उसने जज इतना दुखी हुआ, आँख में हंसू, अरे रे सेठ को शर्म नहीं आई, इसने ये नहीं पूछा बेटा भूखा है, ये नहीं पूछता, चेहरा गरीब का उतरा है, माली का, पुजारी का, साधर्मी का, किसी का भी चेहरा आप पूछो उदास है, उससे कष्ट पूछो, क्या हो भाई साहब तकलीफ, कैन आई साल में, कैन आई हेल्प यू, शाम नाम दंड भी उसे अपनापन, वो जीव टूटना नहीं चाहिए। उसने कहा कि मैं अपनी तरफ से $10 देता हूँ और जितने वकील बैठे इस बच्चे की व्यवस्था करें, और शर्म की बात है हमारे देश में बच्चा भूखा मरे और हम उसे जेल में डालें, ऐसा धर्म है अपना, किसकी दूध देगी। जब सही ज्ञान हुआ कि ये भूखा है, अब बताओ आप उसे दंड दो, ऐसे ही कहे जी को पता ही नहीं है कि मैं भगवान, पता ही नहीं है कि ज्ञानानंद स्वभाव, पता ही नहीं है कि द्रव्य में पर्याय और द्रव्य दो विभाग होने पर द्रव्य कभी गड़बड़ होता ही नहीं है, गड़बड़ी होती है तो पर्याय, ये हो गए। अब देखो देखने की अकल अनुराग, देखो इसमें क्या लिखा, द्रव्य दृष्टि से द्रव्य जो है वो ही। अब उन्होंने कहा कि तुझे देखेगा बाहर से ऐसे दिखेगा, बहुत गुस्सा, बहुत बेकार का, और ये कह रहे थोड़ी द्रव्य दृष्टि की आँख खोल उसी समय, तो तू देखेगा कि बिल्कुल गड़बड़, ये कर ही नहीं रह रहा, सम्यक दृष्टि राग कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका अभिप्राय छूट गया कि कहीं सुख नहीं, ये पंखा चल रहा और अपन ने स्विच ऑफ कर दिया, तो पंखा बंद होगा कि नहीं, बहुत कभी तो चल रहा, थोड़ी देर चलता देखे पर बंद होने की तरह, ऐसे सम्यक दृष्टि का राग थोड़ी देर कुछ दिन चलता दिखेगा, परंतु ये राग ढलने पर बंद हो, इसलिए कह रहे कि द्रव दृष्टि से देखे तो अभी आत्मा ऐसा देखे जैसे सिद्ध भगवान। ये क्यों लगाए, जब उसने कहा द्रव तो द्रव रहता है पर्याय मने, ऐसा कह दिया, इसकी बात क्या कहा, अब द्रव दृष्टि से देख, यानी तू पर्यायार्थक नय के चक्षु को थोड़ी गौण कर दे और खुली हुई द्रव्यार्थक नय से दे, सोना सोना ही दिखेगा, चाहे कीचड़ डला हो चाहे कुछ, हमने स्वर्ण तो देखना चालू किया, गंदा नहीं। द्रव्य दृष्टि से द्रव्य जो है वही है, और पर्याय से अभी उसी को देखोगे तो मलिन दिखेगी, तो मलिनता भी 100% सत, परंतु वो एक समय, और द्रव्य की 100% पवित्रता सत, परंतु वो त्रैकालिक, अब त्रैकालिक पे बजन जाएगा तो एक तात्कालिकता भी समय हो गया, ज्यादा समय देना भी सहजानंद।